हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। हमारा टॉपिक चल रहा है HCF और LCM का। इससे पहले तीन पार्ट आपको करवा चुके हैं, ये इसका फोर्थ पार्ट है भाई HCF और LCM का। जो बच्चे नए फर्स्ट टाइम इनको देख रहे हैं वो भाई पहले पार्ट से देखना स्टार्ट करना, तो जल्दी समझ आएगा और पूरा का पूरा टॉपिक समझ आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने पीछे क्लास नहीं देखी, उनको बता दूं कि सारी की सारी क्लासेस अप टू 66 सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। चैनल पे जाइए, वहां पे आप सर्च कीजिए DRDO मैथ बाय सुनील सर, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अब जैसे न्यूज आनी स्टार्ट हो गई है, हरियाणा की बात करें तो HSSC वाले रिजल्ट दे रहे हैं, यानी HSSC ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। एक या दो या तीन महीने बाद हमारे एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे HSSC के। और एक आपको पीछे ही बताया था, जैसे टेंटेटिव ये बोल रहे हैं कि DRDO का एग्जाम अगस्त तक हो सकता है। ओके, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक HCF और LCM। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर आज हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला है वही करना है। हमें दो नंबर दिए जाएंगे, दो नंबर होंगे उनका HCF LCM। चार फैक्टर है, चार में से तीन चीज गिवन है, एक निकालनी है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो नंबर है, ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, एक है हमारे पास 16 और एक है 28, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कॉमन कौन सी टेबल में आ रहे हैं, यानी अगर हम इनका रेशियो लेना हो तो क्या आएगा हमारे पास, चार के टेबल में आता है रेशियो, ये सात के टेबल में आता है, ठीक है। यानी कि ये कट किस पे हो रहा है, 4 की टेबल पे कट हो रहा है। तो इन दोनों नंबर्स का ये वाला 4 जिस पे ये कट हुए वो क्या हो गया, HCF हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब इसको करने का मतलब क्या था कि हम इसका कर क्या रहे हैं वो देख लो, ठीक है। अब ये दोनों नंबर हमें दे दिए, दोनों को हमने काटा, जिस नंबर पे काटा वो हमारा HCF हो गया, हमें पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही हमें कोई दो नंबर गिवन होंगे, ओके। तो क्या होगा हमारे पास, पहली संख्या एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, वो हमें याद रखना है और उसी के हिसाब से सॉल्व करना है, इनटू में दूसरी संख्या, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का आप क्या कर दो, HCF की अगर आप इन दोनों नंबर के LCM से मल्टीप्लाई करो तो ये चीज इक्वल ही होती है। तो टोटल हमारे पास चार फैक्टर हो गए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इन चार में से तीन गिवन है, एक हमें निकालना है। स्टार्टिंग में ऐसे ही सवाल करेंगे, उसके बाद थोड़े अच्छे सवाल उठाएंगे अपन। अच्छा, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम ये कर सकते हैं, जैसे कि ये रेशियो में गिवन है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख ली पहली संख्या, अगर रेशियो के हिसाब से देखें 4, और दूसरी संख्या हमने लिख ली 7, ठीक है। अब एक चीज और कर रहे हैं साथ की साथ, चलो वो बाद में करेंगे, पहले इसी इतने फॉर्मूले पे करते हैं, ठीक है। आगे एक चीज और आएगी हमारे पास, वो पहले क्वेश्चन करवा दे उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब हमें गिवन है स्टेटमेंट कि हमें दिया गया दो संख्याओं का HCF और LCM, ओके जी, दो, ये स्टेटमेंट अभी पूरी लिख रहा हूं मैं आपको, अगर दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि लाइट थोड़ी सी कम आ रही है मेरे हिसाब से, ठीक है, वो सेटिंग कर लेना आप। दो संख्याओं का HCF एंड LCM हमें दे रखा है रिस्पेक्टिवली है 8 और 48 है, ओके। यदि एक संख्या 24 है, यदि एक संख्या इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो हमें क्या बताना है दूसरी संख्या। यह सवाल सबसे आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। दो नंबर है हमें नहीं पता, पहला नंबर हमें गिवन है कितना है 24, सेकंड नंबर हमें नहीं पता निकालना है, लेकिन हमें पता है कि जब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई की जाए तो वो किसके इक्वल आता है, दोनों का HCF इनटू में दोनों का LCM, ये वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब इसमें से हमें सेकंड नंबर निकालना था, तो सेकंड नंबर किसके बराबर आ जाएगा, 8 × 48 / 24, आंसर आ गया हमारा 16, यानी दूसरा नंबर क्या होगा हमारे पास, पहला नंबर 24, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं सेम हमारे पास जो है। हां जी,
अब स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो रही है और हमें क्या दिया जा रहा है, गिवन है भी हमें, इस साइड देखिए 12 के दो गुणनजों का एलसीएम 1056 है। अच्छा यहां पे थोड़ा चेंज किया और कितना अच्छा किया वो देखो, 12 के दो गुणनजों का 12 के दो गुणनजों का एलसीएम 1056 है। ओके 12 के दो गुणनजों का एलसीएम 1056 है, इनमें से एक संख्या 132 है। ओके इनमें से एक संख्या 132 है। ओके बताना क्या है हमें, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है ये बताना है। अभी फॉर्मूला तो देखो ये लगना है। ओके इस सवाल में इसने बता दिया एचसीएफ एलसीएम और एक नंबर जो बचा वो हमने निकाल दिया, बड़ा आसान था। यहां पे क्या किया इसने, सिर्फ हमें दिया एलसीएम, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको थोड़ा स्लो समझ आ सकता है, बाकी जिन्होंने कर रखा अब तक उन्होंने आंसर निकाल भी दिया होगा। इनमें से एक संख्या कितनी है, 132, टोटल दो संख्या है, एक 132 है, तो आप ये काम तो कर ही लेते हैं, एक संख्या 132 है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। इक्वल टू क्या होना चाहिए, एचसीएफ इनटू में एलसीएम कितना है, 1056 या 1056, ठीक है। अच्छा सेकंड नंबर हमें निकालना है, बात आ गई एचसीएफ पे, स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, क्या हमें एचसीएफ गिवन है, बस इतना ही देखना है, ठीक है। अच्छा एचसीएफ का मतलब मैंने आपको बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण विभाजित करती है या कंप्लीटली डिवाइड करती है। तो हमें दो नंबर दिए गए, एक 132 है और एक दूसरा है। इसने स्टार्टिंग में जो बात बोली वहां पे आ जाओ, दोनों संख्याएं क्या है, 12 के दो गुणज, यानी कि 12 के दो मल्टीपल, यानी दोनों नंबर 12 के टेबल में आते हैं, 12 के टेबल में आ रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है 12 क्या हो गया उनका HCF। तो इस सवाल में इसने HCF बोलने की बजाय यहां पे सिर्फ इतना सा चेंज कर दिया कि 12 के दो गुणज, ठीक है। और इस स्टेटमेंट में इसने साफ-साफ बता दिया कि HCF कितना है, 8 है। तो ये होता है वर्डों के साथ थोड़ा सा चेंज करना और गेम खेलना, ठीक है। तो HCF क्या आ जाएगा, अब यहां पे 12 लिख सकते हैं क्योंकि 12 की ये मल्टीपल है। ओके अब सेकंड नंबर निकाल लो, बड़ा आसान सा बन गया क्वेश्चन, देखो 1056 डिवाइड बाय 132, इसको हल करो देखो क्या आता है, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हां जी कट गया होगा अब तक तो, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास, ये कटेगा 11 पे, ठीक है। 11 निमे 99 बच्चे कितने, 6 66, 11 6 66, तो हमारा आंसर आ गया 96, आपका आ गया अब तक आंसर। ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हां जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उसने रेशियो पे क्वेश्चन दे दिया हमें, ये देख लेना आप, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट जरूर करना भी, अगर समझ आए तो भी कमेंट करना, प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करना। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, देखो जो बच्चे मेहनत कर रहे थे वो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, वो कभी ना तो कभी वो लॉकडाउन में रुके हैं ना लॉकडाउन से पहले रुके थे, क्योंकि उन्हें पता है ये गोल्डन टाइम है अगर आप सही से यूटिलाइज करते हो। और अगर आप यहाँ वहां घूमने में या घर बैठे बैठे गेम खेलने में सारा टाइम निकाल देते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। जैसे मैंने पहले दिन ही बताया था, फाइट वही करेंगे जो इस टाइम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अपना लॉकडाउन ओपन होने के बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन और वहां जाके पढ़ेंगे तो हम फाइट कर पाएंगे, आप कर पाओगे लेकिन जो इस टाइम पढ़ रहे हैं ना उनसे फाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छी बात यही है कि आप पढ़ना अभी भी शुरू कर दो, टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली स्टेटमेंट हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। ओके अच्छा इनका एलसीएम हमें दे दिया 84, बड़ी संख्या बतानी है, इनका एलसीएम हमें दे रखा है 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी
ठीक है। अच्छा दो नंबर हमें नहीं पता कौन से, लेकिन रेशियो पता है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब हर बार ये नहीं है कि हमें वो अभी जो फॉर्मूला बताया था वही यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए। अगर एलसीएम चाहिए सॉरी एचसीएफ चाहिए तो हम उसका पता करेंगे, अगर नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं इसको, रेशियो है, रेशियो को हटाओगे तो ये भी एक नंबर बन गया और ये भी एक नंबर बन गया, ओके। अब यहां पे क्या गिवन है, यहां पे गिवन है हमें एलसीएम 84। अच्छा 3x और 4x का एलसीएम क्या होगा, सोच के बताना थोड़ा सा, कमेंट करना क्या आएगा एलसीएम, 3x और 4x का एलसीएम बता दो जल्दी से क्या होगा, जल्दी बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं, कमेंट कर दो, होप सो आपको आता है, कर भी दोगे। जिन बच्चों ने निकाल लिया वो कमेंट कर देना, जिनको थोड़ा डाउट है उनको बता देता हूं। अच्छा भी एलसीएम में क्या होता है, जब आप फैक्टर करते हैं तो जो फैक्टर कॉमन होते हैं वो लेते ही लेते हैं। देखो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, आप एलसीएम निकालें तो 3x को क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स लिखेंगे, 4x को क्या लिखेंगे, 4 इंटू में एक्स, 4 इंटू एक्स। अब जो फैक्टर कॉमन होते हैं वो एलसीएम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो एलसीएम क्या बनेगा इनका, एक तो एक्स आ जाएगा, और जो फैक्टर कॉमन नहीं होते वो भी आप एलसीएम में साथ में उठा लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना बन गया हमारे पास, 12x। अच्छा रेशियो के हिसाब से देखें तो एलसीएम आ रहा है हमारे पास 12x, स्टेटमेंट में कितना दे रखा है 84 है, तो एलसीएम तो दोनों को बराबर रख दो। इसलिए मैंने कहा था जब एचसीएफ की कोई जरूरत नहीं है तो उसके ऊपर जाना भी नहीं है हमें, कहीं आप उसी फॉर्मूले के पीछे भागते रहो, ऐसा नहीं करना। तो चलिए क्या आएगा हमारे पास, 12x बराबर 84, x की वैल्यू कितनी आ गई, काट लेना 7 आएगी, ठीक है। हमें नंबर बताना था, x की मल्टीप्लाई, x की जो वैल्यू उसकी 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 21, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 28, दोनों में से बड़ी कौन सी है 28, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, 28 बनेगा, हो गया। चलिए अब एक चीज और आ जाती है हमारे पास, देखो यहां तो आ रहे हैं आंसर, आगे हमें आंसर तो बताना है लेकिन काउंटिंग में बताना है, 1 2 3 4, वो हमसे पेयर पूछेगा, और पेयर कौन से पूछेगा, पेयर पूछेगा वो हमसे को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या के। चलिए करते हैं, क्या होती है सह अभाज्य संख्या, जिन्होंने स्क्रीन शॉट लेना है ले लेना भी, ओके। चलो सह अभाज्य संख्या आपको पहले दिन ही बताया था, एलसीएम जब आप कर रहे थे उसके अंदर एचसीएफ का थोड़ा सा बताया था आपको, वहीं पहुंचते हैं वापिस। सह अभाज्य संख्या या इसको बोलते हैं अभी को प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर या ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ एक होता है वो क्या कहलाता है, सह अभाज्य या को प्राइम नंबर। जैसे हम बात कर लें 7 और 12, इनका एचसीएफ क्या हो सकता है, एचसीएफ मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग करे एक साथ, तो इन दोनों को एक साथ भाग करने वाली एक ही संख्या है वो क्या है, एक। एक के अलावा कोई संख्या है जो इन दोनों को इकट्ठा भाग करती हो, नहीं है ना, बस 3 और 4, ये भी क्या है को प्राइम नंबर। 13 और मान लो 15 कर दिया, इनका एचसीएफ भी एक। तो जिनका एचसीएफ एक है वो क्या होती है, सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर होता है। अब यही हमें काउंट करने के कितने बनेंगे, और इसके लिए हम वही चीज यूज करेंगे जो पहले कर रहे थे, रेशो वाला आपको बताया था मैंने, रेशो कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपने नंबर लिया था 16:28, और जब इनको काटेंगे तो क्या आएगा 4:7 आएगा, ठीक है। तो इनका एचसीएफ क्या बना था, 4 बना था, यानी कि हम ये कर रहे थे 4:4:7:4, वापिस से वही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये हमें रेशियो गिवन था, गिवन था यानी दो नंबर इस रेशियो में है, ओके। अच्छा इन दोनों नंबर की आप जैसे अभी एक फॉर्मूला किया था उस हिसाब से पहले यहां आ जाओ, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल जाएगी,
दो नंबर है, मान लो एक ए है और दूसरा बी है, दोनों की गुणा करें, तो अभी अभी ये बताया था कि दोनों का HCF इनटू दोनों का LCM यही होता है। ठीक है, जितने सवाल अब तक किए थे वो यहां तक थे। जब को प्राइम की बात आएगी या सहअभाज्य संख्या की बात आएगी तो इससे एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। ओके अच्छा, ये तो हो गई नंबर की वन। ओके, अब मान लो उसने हमें नंबर देने की बजाय रेशियो दे दिया, ठीक है, कि दो नंबर इस रेशियो में है। ओके अच्छा, अब ये इस रेशियो में है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लो ये रेशियो अपन यहां से ये बात बता देते हैं, ठीक है, ये रेशियो हमें दे रखा है ए रेशियो बी। ओके अच्छा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, नंबर वापिस से बनाना है तो क्या करना है हमें, ये मान लो ए था और ये था बी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए की मल्टीप्लाई भी HCF से, बी की मल्टीप्लाई भी HCF से, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक बार के लिए HCF इनटू में ए, ठीक है, और HCF इनटू में बी, वापिस से दो नंबर बढ़ गए ना ये, अगर इसकी चार से मल्टीप्लाई करें यही आएगा, इसकी चार से मल्टीप्लाई करें यही आएगा, वापिस से दो नंबर बढ़ गए। ओके, ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा, वही HCF इनटू में LCM। ओके, ये बात ध्यान से समझो, हमारे पास क्या थे दो नंबर, उनको काट दिया, एक बार ये हटा देते, ठीक है, वापिस हटा देते, दो नंबर रेशियो में थे, जिस पे कट रहा था उसमें काट दिया, कटे किस पे, चार पे, जिस नंबर पे कटे वो इन दोनों का क्या बना था, HCF बन गया था। ये है हमारा HCF, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई, नो डाउट। अब मान लो कोई क्वेश्चन ही हमें क्या दे रखा है, रेशियो में दे रखा है, एक बार के लिए इसको अब हटा दो, ठीक है, मान लो हमारा क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है कि दो नंबर इस रेशियो में है, ठीक, अच्छा उस रेशियो को हमने क्या मान लिया, जनरल फॉर्म में हमें फॉर्मूला बनाना है तो क्या करेंगे, उसको हमने ए रेशियो बी मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं इस ए की इसके HCF से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, यानी ये वाला ए था और इसका HCF भी क्या था, चार था, तो वापिस से चार चौके 16 वही नंबर बन रहा है, तो ये वो नंबर बन गया, ठीक है। ऐसे ही बी था, बी की मल्टीप्लाई उसी के HCF से कर दें आप, हमें नहीं पता है क्या, बस आप एक बार लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, दूसरा नंबर भी वापिस बन जाएगा। और दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF गुणा में LCM के बराबर होता है। आगे इतनी बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। यहां से क्या हो रहा है, HCF गुणा में HCF की पावर 2 बनेगी, तो इसको हम ये लिख लेते हैं A into B equal to, अगर मैं सीधा ही लिख दूं HCF into में LCM और divide by HCF, पूरा ही कर रहे हैं इसका स्क्वायर, तो ये एक बार तो कटेगा। तो अब यहां से हमारे पास एक नई चीज क्या आ गई, ये याद रख लेना A into B यानी जो रेशियो दे रखा है वो उनकी मल्टीप्लाई, या जो भी नंबर दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई, रेशियो को भी छोड़ दो, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या हो सकती है, इक्वल टू ये भी हो सकता है। ओके, ये बन गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। जब भी को प्राइम नंबर काउंट करने हो कि कितने को प्राइम पेयर बनेंगे तो आप इसका यूज करेंगे, ठीक है, करेंगे कैसे वो देखिए। ओके, क्वेश्चन है दो नंबर दे रखे हैं हमें, रेशियो क्या है, 6:5। ओके, 6:5, एलसीएम इनका 420। एक बार एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, एलसीएम 420, को प्राइम नंबर अगले क्वेश्चन में काउंट करवाऊंगा, पहले ये देख लो, ठीक है, हमें बताना है इसका HCF कितना होगा। इसने कहा कि दो नंबर इस रेशियो में है जिनका एलसीएम ये है, हमें HCF बताना है, ठीक है। तो आप इससे कर सकते हैं आराम से, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहां से HCF निकालने का तरीका क्या बनेगा, HCF इस साइड आ जाएगा, ये दोनों डिवाइड में, ठीक है, यानी कि एक बार ये कर लो A into B, जो भी इनका रेशियो है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, LCM डिवाइड बाई HCF। अब जो जो चीजें हमें गिवन है वो उठा के पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 6:5 इक्वल टू 420 डिवाइड बाई HCF। अब आप सबको पता है कि ये कैसे कटेगा और कैसे हल होगा, जल्दी से बता दो HCF क्या बनेगा, कमेंट करो इसका HCF क्या बनेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं आप को प्राइम नंबर कैसे काउंट करने होते हैं, तो वहां पे आ जाओ, फॉर्मूला आपके सामने ही है,
अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे। हाँ जी, हमें दे रखा है एलसीएम है भाई 880 और एचसीएफ है 22। ठीक है, ये कहता है कि दो संख्याएं हैं, ठीक, दो संख्याएं जिनका एलसीएम ये और एचसीएफ ये। अब ये कहता है कि इनके कितने सह अभाज्य युग्म बनेंगे, कितने सह अभाज्य युग्म बनेंगे। ठीक है, यानी कि कितने को प्राइम पेयर्स बनेंगे, हमें काउंट करके बताना है कि एक पेयर होगा, दो पेयर होंगे, तीन, चार, क्योंकि ऑप्शन में काउंटिंग मिलेगी, एक, दो, तीन, चार, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कैसे बढ़ेगा ये फॉर्मूला। हमारे पास दो नंबर है, उनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल रखी जाती है, एलसीएम बटे में एचसीएफ, तो रख दीजिए 880 डिवाइड बाई 22, काटेंगे तो कितना आ गया 40। अब देखो वो दो नंबर कोई से भी हो लेकिन उनकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए 40। ठीक है, अब 40 मल्टीप्लाई आनी चाहिए कुल मिला के हमारे सामने, और पेयर कौन से होने चाहिए, को प्राइम, यानी जिनका एच सी एफ एक ही हो। ठीक है, आगे बात समझ में। वैसे देखो आप ये भी कर सकते हो कि 2×20 इक्वल टू क्या होता है 40, लेकिन क्या ये को प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका एच सी एफ एक नहीं है, दो आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पेयर हम कंसिडर नहीं करेंगे, मत गिनना। ओके, तो पहला पेयर आएगा हमारे पास 1×40, इनका एचसीएफ एक ही है। ठीक है, आगे कोई पेयर, नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा सोचिए, 2×20 वाला काट दो, 3 की टेबल में 40 आता नहीं, 4 की टेबल में आएगा, यानी 4×10, वो हमें लेना नहीं, उसका एचसीएफ एक नहीं होता। 5×8 बन रहा है, हाँ जी 5×8 ये बनेगा। अब आप ये मत करना कि 8×5 को भी दे दिया, ये मत लेना, एक बार आ गया बस आ गया। ठीक है, तो ये दो ही को प्राइम पेयर होंगे जिनकी मल्टीप्लाई 40 आती है, तो हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है, ये सवाल था। एक क्वेश्चन नेक्स्ट आप लीजिए, समझना इनको, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, आपको फिर से बता देंगे क्या कुछ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का एच सी एफ 26 है और एलसीएम 780, एच सी एफ है 26 और एलसीएम है 780। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें कितने को प्राइम पेयर होंगे, यानी कि कितने सह अभाज्य युग्म बनेंगे। तो ये बनेंगे हमारे पास वही चीज, a टू b इक्वल टू एलसीएम डिवाइड बाई एच सी एफ, काट लो कितना हो जाएगा 26×78, यानी कि 30 आ गया। ठीक है, a इंटू बी 30, दो नंबर लो जिनकी मल्टीप्लाई 30 आनी चाहिए। ठीक है, और उनका एच सी एफ एक होना चाहिए, वही काउंट करने हैं। तो ये भी एक आपका छोटा सा होमवर्क है, जल्दी से काउंट करके बता दो कितने युग्म बनेंगे। ऑप्शन आपके पास 1, 2, 3, 4, ना इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताओ। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।